कोबरा पोस्ट रिपोर्टर के आशीष एक और कट्टर नेता से मिला जो जहर उगलने वाली के नाम से जानी जाती है। रितंबरा सीबीआई के आरोप पत्र में आरोपी है और यह बहुत सी गुप्त जानकारी जानती है। रितंबरा बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन के बारे में बताती है। सब जय जयकार हो रही थी, नारे सब लगा रहे थे। आपने कौन सा बोला था? हमने क्या बोला था? राम हो गया था, मत क्या बोलना। और भी कुछ? बस इसी तरह के नारे लग रहे थे, जय श्री राम। हम लोग तो राम, हम तो चंद्रकांत का पाठ करने लग गए थे, कोई राम चरितमानस की चौपाइयां गाने लगे। ये दीदी आपने कहा था या उमा दीदी ने कहा था बाबर बोलो जय श्री राम? ये किसका है? सभी लोग कैसे बोल रहे हैं? कौन कौन था ये? अब मंच पे तो बहुत लोग हैं, संगठन के लोग ज्यादा बता सकते हैं। चंपत राय नहीं, राजेंद्र जी, चंपत राय जी तो नीचे थे। चंपत राय जी तो क्या लास्ट तक थे, आडवाणी जी थे, आचार्य धर्मेंद्र थे, हम भी थे, जो हमारे गुरुदेव थे, महत्वपूर्ण लोग का मंच थी नहीं मुलाकात हुए थे। नहीं ऐसा नहीं है। रितंबरा रिपोर्टर को मंच पर मौजूद महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में भी बताती है। रितंबरा कहती है चंपत राय जी, राजेंद्र जी, आडवाणी जी, उमा भारती जी, आचार्य धर्मेंद्र थे, हम भी थे, हमारे गुरुदेव थे, महत्वपूर्ण लोग सब मंच पर ही थे। यह पूछे जाने पर कि माइक पर कौन बोल रहा था, रितंबरा बताने से मना कर देती है। रितंबरा कहती है नहीं बता पाएंगे। अच्छा दीदी ये बता दीजिए कि कौन कौन, मतलब नारों में किस किसने साथ दिया, कौन कौन व्यक्ति है वाकई में नारे लगा रहे थे, किस तरीके सभी, सभी का प्रवचन हो रहा था, सब नारे लगा रहे थे, जो भी थोड़ी थोड़ी देर में भाषण दे रहा था। कौन कौन थे नहीं बता, ये जितने आपने नाम लिए सब तो थे। दुर्गा वाहिनी की संस्थापक एक अपवाद के रूप में भाजपा की सच्चाई के बारे में बताती है कि भाजपा हिंदुत्व का उपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। जब रिपोर्टर भाजपा के संबंध में बात करता है तब रितंबरा तीखी नाराजगी दिखाती है। रितंबरा कहती है भाजपा ने देश के साथ धोखा किया है। रितंबरा के अनुसार बीजेपी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। बीजेपी ने न सिर्फ हिंदुओं को धोखा दिया बल्कि अयोध्या मुद्दे पर संत समाज को भी धोखा दिया। संत तो नाराज इसलिए भी हुए कि भारतीय जनता पार्टी को जितना गंभीर उस विषय के बाद में होना चाहिए था, जितना उन्होंने राजनीतिक लाभ लिया उतनी तो वो नहीं रही ना, तो ये तो एक धोखा हुआ ना जनता के साथ। इस बात की तो संतों को बहुत दुख हुआ ना, क्योंकि संत समाज के सामने तो संत गए थे ना, इसलिए संतों के ऊपर जनता ने विश्वास किया, तो ये बात का तो दुख भी सब संतों को ही रहा ना कि भाई उस जिस चीज को लेके आप चले हो, या तो आप उसकी राजनीति की रोटियां ना सेकते, अगर आपने सेकी है तो आप उसके प्रति ईमानदार तो हो ना। इस बात का दुख तो स्वामी वामदेव जी महाराज को ही क्यों होगा, सबको ही रहा होगा, सबको ही स्वाभाविक है। हम जैसों को भी लगा कि जैसे चले गए समाज में श्रद्धा का इतना बड़ा वातावरण बना, लेकिन शायद वो हम लोगों की अति भावुकता थी, उनकी अपनी सीमाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे सरकार जाइए, इससे जाइए, इससे जाइए, पर अगर आप राम जन्मभूमि के विषय पे अपनी सरकार को न्यौछावर करते हो तो ये पता चलता है कि आप इसके प्रति कितने सजग हैं, वो तो नहीं हुआ। बचा,
इस शेर को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले।